गाइस, वेलकम बैक टू काजल डेडास ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मुझे आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है कुशांक, क्या नाम है इनका, मंडार, कुशांक मंडार से, क्योंकि ये थोड़ा सा नाराज है। इसका कहना है कि मैं तो पैंट और टी शर्ट ही पहनूंगा, शॉर्ट्स नहीं पहनूंगा। अब मैं सूट पहन के आई हूँ तो मेरे से कह रहा है कि आपने क्यों पैंट पहनी है। अब बताओ कौन लड़की सूट के नीचे शॉर्ट्स पहनती है भाई? टी शर्ट के नीचे तो शॉर्ट्स पहनते हैं। बताओ, इस लड़के की नाराजगी दूर नहीं हो रही। इसको ब्लॉग में सब समझा देना आप लोग कि लड़के शॉर्ट्स पहनते हैं, गर्मी में छोटे बच्चे जीन्स नहीं पहनते। जब से नाराज हो रखा है लड़का। तो गाइस चलो छोड़ो, इसकी नाराजगी तो दूर होगी नहीं, और हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। आज का ब्लॉग इस तरह से होने वाला है कि हमारे घर पे है हवन पूजा, क्योंकि हमारे बेबी का है आज नामकरण। तो देखते हैं हमारे बेबी का क्या नाम निकलता है और क्या नाम उसका रखते हैं। और नहा के मैं हो गई हूँ रेडी और मैं चलती हूँ अभी नीचे, क्योंकि पंडित जी आ गए हैं। मत करो, क्या हो रहा है गाइस? इसका कहना है कि विशाल जी जो अगर कच्छे पहनते हैं तो वो अपनी एंगेजमेंट में पैंट क्यों पहन के आए थे। तो विशाल भैया और विशाल जीजू, एक बात मैं आपको बता दूं, अपनी शादी में शेरवानी के नीचे तो मैं कच्चे ही पहन के आना। देख, अब लगाओ हीरो सा। गाइस यहाँ पे हवन की तैयारी हो गई है शुरू। अब यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रही हैं। इस हमारी बाबू हो चुकी है रेडी आज अपने नामकरण के लिए। देख लो कितनी क्यूटी लग रही है, क्यूटी बाबू। पिंकी पिंकी हो रही है आज, ये भी पिंकी और इसकी बुआ भी पिंकी, और इसकी मम्मी हो रही है येलो 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 डट्टी येलो। तो गाइस बस अभी बाहर हो जाए तैयारी शुरू, फिर चलते हैं बाहर हवन पे। आज मेरी बच्ची का नाम कलन है, नाम लग जाएगा ढड्डो का आज तो। ये कह रही है कुशांक डैडी। तक्षवी भी रख सकते हैं ना, है? तक्षवी तक्षवीर तक्षवी तक्षवी नहीं। तुला राशि में ता भी तो आता है ना, वो दूसरा नक्षत्र है बेटी। अच्छा, नक्षत्र चित्रा हो जाएगा फिर वह। अच्छा, स्वाति स्वाति नौ अक्षर, दो नक्षत्र और एक राशि। अब जैसे तुला राशि में नौ अक्षर दिखाते होंगे, हाँ जी, तो जो तुमने बताई है वो बेटे नक्षत्र दूसरा है, चित्रा नक्षत्र है। इसका नक्षत्र जो है ना स्वाति है, तो स्वाति नक्षत्र के चार अक्षर हैं रे रु रो और र। पंडित जी ने कौन सा नाम बताया? इसको सब आदमी अपर्णा कहना, और राशि की कुंडली होगी, कुंडली बनेगी, देखी जाएगी जब कुंडली बनेगी तब। रिया, चलो रिया पक्षी का नाम है, पक्षी का जो सबसे तेज और दौड़ने वाला पक्षी है रिया, वह रिया है। दौड़ने वाली नहीं, रूहानी पंडित जी, राही कहते हैं रूहानी। मैंने भी रखा था, सफर करता हो, पैदल सफर करता हो उसको राही कहते हैं, और राही उसको भी कहते हैं जो हमारे साथ चलने वाला हो, उसका नाम भी राही है। जो हमारे साथ चलने वाला, हाँ उसका नाम रूहानी, रूहानी, हाँ ये नाम अच्छा है। तो इसका नाम फिक्स हो गया है अपर्णा और रूहानी। रूहानी एक नाम रख, अपर्णा नाम बहुत अच्छा है, और हमारे मन में यही बात आई अपर्णा। अभी तुम्हें कान में बोलना हो, जो पंडित जी कहेंगे ना, वो कान में जो तुम्हें नाम बोलना, डिसाइड कर लो, ऐसी क्या बात है, सब आदमी बैठे हुए हो, डिसाइड करो।
वोट दो अपना अपर्णा मैडम से पूछ लो पंडित जी का नाम है अपर्णा पंडित जी का नाम रहेगा कि हम रखेंगे आपको बच्चों के माँ बाप का भी तो इच्छा होगी कि हम ये नाम रखेंगे जी। चलो वोटिंग करो अपर्णा अपर्णा ठीक है अपर्णा अपर्णा आप मम्मी मेरा तो नाम राही है मम्मी रूही रूही रूहानी रूही रख दो रिया मेरे तो ये नाम चांदी के पाए चाची आपके हिसाब से बहुत बच्चे रूहानी भी अच्छा लग रहा है अपर्णा भी वो आपका जो गौतम बताओ क्या रख रहे हैं अपर्णा या रूहानी रख लो बेटा तुम अपना अपर्णा ही पर मेरी तो लच्छी है लच्छी आप मेरी लच्छी है भैया चलो बाप बेटे आओ दादी आप शुरू करते हैं शुरू करते हैं खूब बढ़िया खूब भगवान है हाँ जो नाम धरो रूहानी ठीक है पवित्र पति पवित्र केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः मनसानां संस्थापि मंगलानां कर्तारो दीवाणी विनायको वन्दे भूर्भुवः स्थितं गुरु शंकरो ब्रह्मास्तु चंद्र सर्वतः जति गुरु महापुरुषो देवो महेश्वर गुरु साक्षात् कुमार बलभुज विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार चाहो तो फिर दोबारा लिखो दिन उठो रचना क्या कि चलो बेटे संकल्प निकालो बस संकल्प गाइज यहाँ पे ना कुशांक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि पंडित जी ने इसको बैठा लिया था कि मैं तेरे को धागा बांधूंगा और वो पूजा पाठ में लगे हुए थे धागा नहीं बांध रहे थे और इसको जाना था ऊपर क्योंकि उसने ऊपर अपना कोई कार्टून वगैरह चला रखा था इसको वो देखना था तो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था ये बहुत ज़्यादा कि मतलब मेरे को धागा क्यों नहीं बांध रहे इतनी देर हो गई मुझे बैठे बैठे यहाँ पे फिर फाइनली इसको ना मतलब पंडित जी ने धागा बांध दिया था इतना खुश सा हो गया था ये कि मेरे को धागा बंध गया है और इतनी तेज गया ना ये भाग के ऊपर धागा बंधते कि पता नहीं क्या ही हो गया इसको उसके चेहरे की खुशी देखो बिल्कुल ही अलग है इदं प्रजापतये स्वाहा।
इदं प्रजापतये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम जमदग्नये स्वाहाग्ने अस्याहनाभिः ससत्पाता सत्पद्मित्वा मायासी जग्ब्रह्मास्यायानु देहि भेक जग्बं स्वाहा स्वाहा ओम अयाश्चाग्ने अस्याहनाभिः आंखें खोल लिए लाली ने ये तू मैं तू बस अब ले जा अभी का दर देखो तो गाइस अपना नाम सुन के बहुत खुश हो रही है ये अपना या रोमानी इनमें से हम रवि एक नाम रखेंगे तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे तब फाइनल करेंगे क्या नाम होना चाहिए गाइस आज हमारी माते आई हैं बड़ी मासी और इनके लिए गिफ्ट लाई मम्मी दिख रहा है ना क्या गिफ्ट लाई मासी आपके लिए मौसी ये गिफ्ट लाई है ये सबसे बड़ी माते हैं हमारी फिर ये वाली माते 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 और फिर ये वाली माते गाइस ये कपड़े आए हैं ये टमाटर लाई हैं वो केले हैं केले भी लाए हैं ये दादी हैं और इसको देख लो आज कितनी खुश हो रही है इसके जोड़े पर जोड़े आ रहे हैं यहाँ के ये है सयो कटोरी इनको ना खाने का स्टाइल बता रही मम्मी कैसे खाना ये दीप लाए कंपटीशन चल रहा है भाई ये जीत का साइज है कंपटीशन चल रहा है कैसे खाना मौसी आप भी अपना स्टाइल दिखा दो आप कैसे खाओगे गाइज मैं आई हूँ अभी अभी नहा के क्योंकि ये है नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि हम भूल गए थे व्लॉग का एंड करना और आज माही आ गई है तो मैं बता देती हूँ पंडित जी ने हमारे दो नाम निकाले हैं हमारे बेबी के एक अपर्णा और दूसरा रूहानी का तो गाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें क्या नाम रखना चाहिए रूहानी का या पढ़ना ठीक है यहाँ सबको रूहानी का पसंद आ रहा है लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या नाम रखना चाहिए तो इसी के साथ गाइज हम लोग कर देते हैं ब्लॉग का एंड मिलेंगे आपको एक न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें सेफ रहें बाय बाय सतर्क रहें बाय बाय थैंक यू